सारी पॉइंट है फैमिली ऑफ सर्कल में, कि दो सर्कल दिए हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल एस वन प्लस लैम्डा एस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। एस वन एस टू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम हो तो लैम्डा की वैल्यू माइनस वन लेने पर वो कॉमन कॉर्ड आ जाती है, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, ये पढ़ा हमने। ये था एक ऐसा सर्कल और लाइन है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल क्या होगा, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। दो पॉइंट केवल दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो उससे सर्कल जो पास होते हैं डायमेट्रिक एंड में लिख लो एक एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लैम्डा टाइम्स उन टू पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लो बराबर जीरो। एक लाइन को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, उसी लाइन पर कोई पॉइंट है उस पर टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अगर वो पॉइंट एक्स वन वाई वन है तो एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन इक्वल टू जीरो। ये फोर थे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पर बेस अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू and the equation of circle which passes through points of intersection of circle s1 is equal to x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 is equal to 0 and s2 x square plus y square plus 4x minus 6y plus 12 is equal to 0। एक सर्कल की क्वेश्चन जो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और एक कंडीशन लैम्डा निकालने के लिए विच पासेस थ्रू ओरिजिन जीरो जीरो, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, उस सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस थर्ड है लाइन 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 इज नॉर्मल टू सर्कल ऐसा कोई भी एक और केस दिए रहेंगे दिया होगा। देखो सर्कल की क्वेश्चन जो इन दोनों इंटरसेक्शन से पास हुई s1 प्लस लैम्डा तो एक अननोन निकालना है तो कोई भी एक कंडीशन तो वो लैम्डा आ जाएगा। तो कंडीशन इस तरह की हो सकती है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है सेंटर यहाँ पर रेडियस ये है लाइन नॉर्मल है या टेंजेंट इस तरह कोई भी कंडीशन से वो लैम्डा आ सकता है नोट करिए। और ये थ्री डिफरेंट क्वेश्चन है तीनों अलग अलग बनाएंगे। एस वन और एस टू दो सर्कल्स दिए हैं इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। एनीथिंग अपार्ट क्या लिखेंगे उस सर्कल की इक्वेशन जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा तो एस वन प्लस लैम्डा एस टू इज इक्वल टू ऐसा होगा एस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू
ये सर्कल की क्वेश्चन जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस पर क्या है, ओरिजिन है, तो सिंस 0 0 इस आने इस पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 0 0 0 बचा गया माइनस बी प्लस लैम्डा टाइम्स 12 इज इक्वल टू जीरो, तो 12 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3/12 मींस 1/4 ये होगा, लैम्डा की वैल्यू 1/4 आएगी, ये लैम्डा 1/4 यहां रखेंगे, देयरफॉर सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 प्लस 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एडिशन लीजिए यहां 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12x 24 माइनस 6 प्लस 18y माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल बराबर 0, ये आएगा सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट यस। अच्छा कह देते हैं इक्वेशन 1, ये तो सब में कॉमन रहेगा, सेकंड में क्या कहा गया, सेंटर कहां है x एक्सिस पर, तो सेंटर इसका पहले कैलकुलेट कर लें, पर सेंटर का y क्वाड्रेंट जो होगा, सेंटर y क्वाड्रेंट ऑफ सेंटर 0 होगा, y क्वाड्रेंट यहां से देखिए, ठीक है, y का कोएफिशिएंट माइ, ठीक है, क्या होता है माइनस f होता है ना, माइनस g माइनस f, तो y का ऑप्शन कितना है 6 माइनस 6 लैम्डा, दैट इज 6 माइनस 6 लैम्डा माइनस f होता है तो माइनस टाइम्स अपॉन 2, लेकिन x स्क्वायर के ऑप्शन से डिवाइड भी करेंगे, x स्क्वायर का ऑप्शन कितना होगा सॉरी x स्क्वायर y स्क्वायर का ऑप्शन तो 1 होना चाहिए उसमें, तो लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा सेंटर, ये होगा ना सेंटर, नहीं उससे डिनोमिनेटर से तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो 6 लैम्डा इक्वल टू 6 तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1, ये लैम्डा 1 यहां रख दीजिए, कोई आंसर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 9, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर क्या जाएगा, लैम्डा 1 रख दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x 6y 6y कैंसिल प्लस 9 बराबर 0, यही है वो सर, ये सर ये सर्कल कैसे हुआ, ठीक है, ऐसा कोई रियल सर्कल पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी है, तो ऐसा कोई यहाँ पे क्या आ गया, ऐसा कोई सर्कल नहीं होगा जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो, क्योंकि ये तो इमेजिनरी सर्कल है, माइनस 9/2 हो गया ना बराबर, तो रेडियस तो निगेटिव हो गए, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस में सारे सर्कल्स दिया और इस तरह का ऑप्शन दिया तो हम मोस्ट करेक्ट में ये सेलेक्ट करें, ठीक है। थर्ड पार्ट, लाइन इज नॉर्मल टू सर्कल, तो सेंटर कहाँ होना चाहिए, उसका भी यार नहीं सेंटर उसमें होगा बाई लैम्डा प्लस 1 होगी, नहीं लैम्डा का भी होगा, बना रहा नो सर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन दिखाओ, सेंटर क्या हुआ इसका, ये तो वाई क्वाड्रेंट था ना, एक्स क्वाड्रेंट इधर से देखो, एक्स का ऑप्शन 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 4 लैम्डा बाय 2 तो 2 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये आएगा एक्स क्वाड्रेंट, और वाई क्वाड्रेंट यहां से देखो 2 कैंसिल हो गया 3 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये वाई क्वाड्रेंट, ये आ रहा है सेंटर, देख लीजिए। अब ये नॉर्मल है, कौन सी लाइन थी नॉर्मल, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 10, ये था क्या, हां सर इसको सेटिस्फाई करेंगे, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 10, हां इसको सेटिस्फाई कर दो, चेंज 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 इज नॉर्मल, देयरफॉर पासेस थ्रू सेंटर, सर्कल का जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होगा, तो ये सेंटर इसमें सेटिस्फाई करा, हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 7 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 10, अच्छा लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आगे 8 माइनस 8 लैम्डा माइनस 21 लैम्डा प्लस 21 बराबर 10 लैम्डा प्लस 10 होगा, यहां से आगे 39 लैम्डा इज इक्वल टू 19, तो लैम्डा बराबर 19 अपॉन 39 है, ये लैम्डा यहां रखेंगे तो वही इक्वेशन सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं,
बस ये वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 30। कॉन्सेप्ट समझने के लिए कैलकुलेशन तो कम ज्यादा आ जाएगी, वो लैम्डा निकालने के लिए इस तरह से कंडीशंस दी होंगी। फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखा, उसमें कोई भी एक कंडीशंस इस तरह से मिल सकती है और इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। Drawn on curve. X cos alpha plus y sin alpha is equal to P. Arc circle x square plus y square is equal to a square. As its diameter. Find equation of circle drawn on this chord of circle as its diameter. इस सर्कल की ये एक कॉर्ड है, उसको डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाए तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ये है क्वेश्चन बनाइए। Find equation of circle on this chord of circle as its diameter. इस सर्कल के कॉर्ड को डायमीटर लेकर के सर्कल बनाएंगे तो उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करें। हो गया, देखिए एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है AB। अब क्वेश्चन क्या कहा गया? यही AB है, इसको डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनाएंगे उसकी इक्वेशन बताइए। ये क्या क्वेश्चन? अगर ये S है, ये L है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? S plus lambda is equal to 0। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या आ गया? Equation of required circle. S plus lambda is equal to 0, क्योंकि ये सर्कल इस सर्कल और इस सर्कल लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। S लिखा आपने x square plus y square minus a square plus lambda times लाइन की क्वेश्चन x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0। इस सर्कल का सेंटर क्या हो? माइनस जी माइनस एफ, मतलब माइनस लैम्डा कॉस एल्फा बाय टू माइनस लैम्डा साइन एल्फा बाय टू हो गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वैसे लिख लो। अब ये जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये डायमीटर है, ये तो डायमीटर है, तो यहीं पर होगा सेंटर कहीं। तो ये जो सेंटर है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस सेंटर is on AB, therefore इसको सेटिस्फाई करो, क्या लिखो? माइनस लैम्डा कॉस एल्फा बाई टू एक्स के प्लेस पर इंटू कॉस एल्फा माइनस लैम्डा साइन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा बराबर पी। यहां से माइनस लैम्डा बाई टू कॉमन, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा कितना आ गया? वन बराबर पी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टू पी। ये लैम्डा की वैल्यू माइनस टू पी आ रहा, तो वही सर्कल की क्वेश्चन है। Therefore, equation of circle will be x square plus y square, यार को minus 2p, तो minus 2p cos alpha into x, minus 2p sin alpha into y, plus 2p square minus a square is equal to 0. ये इसका आंसर हुआ। करिए बताइए, कोई डाउट है? हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलिए।
बोलो बताओ, अभी आवाज तो क्लियर नहीं। पुलकित आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए तुम? कनेक्शन एकदम खराब हो गया। अभी नहीं आ रही आवाज बेटा, वापस चेक कर रहा हूँ फिर बताना। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखते हैं, फाइंड, नोट कर लीजिए। वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, फिर भी जो डाउट है या तो हाँ क्लियर बोलिए, नहीं तो लिख दो, लिख करके बता दो। सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते, सेंटर से पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया उस लाइन पे। सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें इस लाइन पर। हाँ तो ये जो उसका सेंटर ही तो आएगा। हाँ सेंटर आएगा सर्कल का। हाँ ठीक है, और हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस भी निकाल सकते हैं, कैसे? अगर आप सेंटर को क्या कहते हैं सर, जो हमें गिवन सर्कल है उसके सेंटर को कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिला दो। ठीक है, अब मेरे को फोटो, मेरे को ये भी पता है डिस्टेंस निकालो, बहुत कैलकुलेशन का काम है। हाँ ये बोलना आसान है, करके देखो लेकिन हमेशा क्वेश्चंस में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या और जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे क्या और इजी मेथड हो सकता है। अगर आप कैलकुलेशन में थोड़े ज्यादा जा रहे हो तो हमेशा और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट से और इजी कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन से आ तो जाएगा ही। कोई कहे कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल दें, डायमेट्रिक एंड में लिख लेंगे, वो भी सही है, गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके x1 x2 लोगे, फिर समाप्त रूट वक्र रूट वाला एक किया था ना क्लास में क्वेश्चन, वैसे बना दिया किसी ने, गलत तो नहीं है, सही है। लेकिन वही है ना कैलकुलेशंस, कहां ज्यादा हो रही कहां कम हो रही, तो और कॉन्सेप्ट पढ़े रहे तो उससे आप देखिए कौन इजी हो सकता है ज्यादा। थर्ड वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। Which passes through origin and through the points of contact. Points of contact are tangents drawn from origin. To the circle x square plus y square minus 11x plus 13y plus 17 is equal to 0. Thank you, sir. And the equation of circle which passes through origin, the origin se pass और थ्रू पॉइंट ऑफ इंटर कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस सर्कल। ओरिजिन से जब इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करें तो उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करें। सर वो 11x है ना, माइनस 11x। हाँ माइनस 11x, माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, यह है सर्कल। Find equation of circle which touches this line 2x minus y is equal to 4 at point
वन माइनस टू एंड फर्स्ट पासिस थ्रू थ्री कॉमा फोर एंड सेकेंड रेडियस इज इक्वल टू फाइव एक सर्कल के क्वेश्चन कैलकुलेट करनी जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करे सॉरी थर्ड तो बनाए नहीं यही पहले थर्ड बनाओ ओके थर्ड सुनिए कैसे करेंगे मेरी बात सुनिए आप लोग तो कर ही लेंगे हाँ कोई कहे कि ओरिजिन से टैंजेंट की इक्वेशन लिख लो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लो तीन पॉइंट आ गए उससे सर्कल सर्कल निकाल लो मेथड तो वो भी ठीक है लेकिन हम इजी मेथड पे जाएंगे कोई दूसरा कर सकता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल लो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालिए एस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो लिखो और उसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर लो ये दूसरा मेथड ठीक है लेकिन सबसे आसान मेथड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ओ ए बी से जो पास होगा सर्कल वो सी से भी पास होगा इसके सेंटर से पढ़ा था कि नहीं जो ओ ए बी का सर्कल होगा जो ओ ए बी से पास हो रहा है वो सी से भी पास हो रहा है और उसमें ओ सी क्या होता है डायमीटर होता है डायमीटर के एंड में लिखो खत्म करो भाई मेथड तो कई है हमें ऑब्जर्व करना है ना कि कौन सा सबसे सिंपल मेथड है हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आया था लास्ट क्लास में देखिए इसका सेंटर क्या है 11 बाई 2 माइनस 13 बाई 2 तो ये जो सर्कल हाँ क्या होगा रिक्वायर्ड सर्कल इज सर्कल विथ ओसी एज डायमीटर एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11 बाई 2 एक्स प्लस 13 बाई 2 वाई इज इक्वल टू जीरो नोट करिए क्वेश्चन आपको और बनाए दो पार्ट है इसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस दिस लाइन एट अ पॉइंट 1 माइनस 2 एंड पासिस थ्रू फर्स्ट पार्ट है 3 कोर्स है सेकेंड पार्ट है जिसकी रेडियस 5 क्वेश्चन नंबर 4 नोट करके बनाइए इसको हो गया फर्स्ट पार्ट एक सर्कल की क्वेश्चन जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता है 1 माइनस 2 टच कर रहा हूं तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है जो एक गिवन लाइन को एक गिवन पॉइंट पे टच करता हूं उस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो यह x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर y प्लस 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स टाइम की इक्वेशन 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू यू ये उस सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन इक्वल टू यू अब ये जो सर्कल है किस पॉइंट के पास होता है 3-4 से तो फर्स्ट केस हो गया सिंस 3-4 इज ऑन इट तो 3-4 इसे सेटिस्फाई करेगा 3 रखोगे 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस लैम्डा टाइम्स
सिक्स माइनस फोर माइनस फोर कितना हुआ माइनस टू इक्वल टू जीरो टू लैम्डा इक्वल टू फोर्टी लैम्डा की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी ट्वेंटी लैम्डा की वैल्यू यहाँ ट्वेंटी रखो वही सर्कल की क्वेश्चन है therefore equation of circle will be x minus 1 square plus y plus 2 square plus 20 times 2x minus y minus 4 is equal to 0 यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर्टी एक्स प्लस थर्टी एट एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी वाई माइनस सिक्सटीन वाई प्लस फाइव माइनस एट्टी माइनस सेवेंटी फाइव इक्वल टू जीरो यही आंसर हो गया फर्स्ट वाले में। सेकेंड पार्ट बनाएंगे इसका रेडियस इस सर्कल की फाइव उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी ज्यादा डिपेंड करता है क्या पॉइंट दिया है कैसा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है। ये लैम्डा निकालने के लिए लिखा है रेडियस फाइव इस सर्कल को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइनस टू मतलब प्लस टू लैम्डा माइनस टू इंटू एक्स वाई के लिए क्या आएगा फोर माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस यहां से आ गया फाइव माइनस फोर लैम्डा इक्वल टू जीरो रेडियस कितनी है फाइव तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा ट्वेंटी फाइव तो रेडियस यहां देखिए माइनस जी कितना होगा लैम्डा माइनस वन माइनस लैम्डा का स्क्वायर आंसर कितना होगा लैम्डा माइनस फोर बाई टू का स्क्वायर माइनस सी फाइव माइनस फोर लैम्डा दैट इज इक्वल टू फाइव ये होगा इसको सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा क्या जाएगी वो आंसर आ जाएगा लैम्डा यहां रखेंगे वापस आंसर ठीक है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं कर लोगे आप कॉन्सेप्ट समझ लो ठीक है कैलकुलेशन तो उसके अकॉर्डिंग करी जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी में कम आएगी किसी में ज्यादा आएगी ठीक है और रूट इक्वल टू 25 आएगा आप लिख सकते हो रूट में आएगा हां वो 25 आएगा सर इक्वल टू 25 आएगा रिजल्ट 25 हो जाएगा हां बोलो बोलो कोई प्रॉब्लम है नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू माइनस वन कॉमा टू एंड टचिंग द सर्कल x square plus y square minus 8x plus 6y is equal to 0 at origin. At origin. उस सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करिए जो माइनस वन टू से पास हो रहा है और इस सर्कल को ओरिजिन पे टच करता है इस सर्कल को ओरिजिन पे टच करता है सर्कल ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है हमने कहा गया ओरिजिन पे ये सर्कल इसको टच कर रहा है और क्या है माइनस वन कॉमा टू से पास होता है ये है ना क्वेश्चन तो मेरा आ रहा है सर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो सही क्या करेंगे इसके लिए पहले इस टेंजेंट की क्वेश्चन लिख लो
ये टेंजेंट जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिखो, टेंजेंट एट ओरिजिन, राइट, ओरिजिन पे टेंजेंट इस सर्कल पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, तो एक्स प्लस जीरो बाई टू प्लस थ्री वाई प्लस जीरो बाई टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये लाइन की इक्वेशन आ गई फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए जो टेंजेंट है ओरिजिन पर, इस सर्कल पे ओरिजिन पे टेंजेंट क्या है, ये लाइन, और अब इस लाइन को इस पॉइंट जीरो जीरो पे एक सर्कल टच कर रहा है, तो रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो गया, यही कॉन्सेप्ट लग गया जो क्वेश्चन नंबर फोर में था, एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर, अगर ये एक्स वन वाई वन होता तो जीरो जीरो है, प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन। अब ये लैम्डा निकालने के लिए हमें एक और दिया हुआ है माइनस वन टू से, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स, लैम्डा फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, सिंस माइनस वन टू इज ऑन इट, कर दीजिए इसमें तो वन प्लस फोर फाइव प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, लैम्डा की वैल्यू आ गई वन बाई टू, ये लैम्डा वन बाई टू यहाँ रखे, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री बाई टू वाई इज इक्वल टू जीरो, यही ना? यस सर। बताए कोई डाउट है? नेक्स्ट है कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, कॉमन टेंजेंट्स, एक लाइन जो दोनों पर टेंजेंट हो सर्कल में वही है कॉमन टेंजेंट ना, ना ये भी कॉमन टेंजेंट इन दो सर्कल में, जो दो गिवन सर्कल पे टेंजेंट हो, टू टाइप्स की कॉमन टेंजेंट हम लोग देखते हैं सर्कल्स में, सर्कल्स में जो टेंजेंट होती है कॉमन टेंजेंट उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट को कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड सेकेंड को कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। Direct common tangent are also known as external common tangent. Transverse common tangent also known as internal common tangent. यह है external और यह है internal common tangent. इसमें क्या होता है? इसमें centers of both circles lie on same side of common tangent. सेम साइड, उस तरह की टेंजेंट्स को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नल, सेंटर्स कर लीजिए या सर्कल्स भी कर सकते हैं, बोथ सर्कल्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ टेंजेंट, इधर सेंटर्स लाइज ऑन अपोजिट साइड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी क्या होता है, अपोजिट साइड में होते हैं सेंटर, ठीक है? चाहिए देखिए ये दो सर्कल्स हैं, ये टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट पी क्यू, इस पी क्यू टेंजेंट के ये दोनों सर्कल्स एक ही तरफ हैं या इनके सेंटर्स एक ही तरफ, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी सी डी, एब्रिविएशन में मैंने लिखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ऐसे इधर है, ये भी डायरेक्ट है क्योंकि इसके एक तरफ है, ठीक है, तो ये दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेकिन ऐसे अगर मैं बताता हूं ये भी कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल पे टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्योंकि इसके
ये सर्कल एक तरफ है, दूसरा सर्कल दूसरी तरफ है, या सेंटर से अलग अलग तरफ, और इसी तरह से इधर भी एक टेंजेंट होगी, दैट इज आल्सो ट्रांसवर्स कॉन्टेंट। इनकी रेडियस रेडियस जो अगर r1 r2 है और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स c1 c2 हो गए, अगर ये रेडियस के सम से ज्यादा आ रहा है तो हमें इस तरह से फोर कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे, टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन सेंटर्स की क्या पोजीशन है, सर्कल्स की क्या पोजीशन है, उनकी रेडियस के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स वेरी करते हैं। अभी से पहले डायग्राम बनाया था तो दोनों टच कर रहे थे, एक बीच में एक कॉमन टेंजेंट आ रही थी और दो और आ जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशंस ऑफ सर्कल्स सर्कल्स की पोजिशंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे अलग, और कौन कौन सी आती है फर्स्ट देख। इफ सी वन सी टू इज ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है C1 C2 R1 प्लस R2 से ज्यादा जैसा कि डायग्राम में, देन विल गेट फोर कॉमन टेंजेंट्स, फोर कॉमन टेंजेंट्स होंगे यहां पर, जिसमें टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। C1 C2 greater than R1 plus R2 होगा तो circles neither touch nor intersect, means circles are separated, plus neither touch nor intersect और external है एक दूसरे के, मतलब अंदर नहीं है एक दूसरे के। अगर ऐसे हो तो फिर कोई कर सकता है circles ना तो touch करें ना intersect करें, लेकिन वैसा नहीं है इस तरफ के साथ। neither touch nor intersect and circles are separate. Second, if C1 C2 is equal to R1 plus R2 हो जाएगा, ये जो C1 C2 है R1 plus R2 के बराबर तीन हो जाएगी और circles उस केस में center के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर है, तो circles externally touch करते हैं, इसका मतलब circles touch each other externally externally touch कर रहे हैं, यानी कि ये common tangent हुई, दूसरी common tangent इधर मिल गई और तीसरी ये हो गई 1 2 3 हो गया, तो 3 common tangents। ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो इसमें मिलेगी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएंगी और 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएगी। कोई दिक्कत है सेकंड में, थर्ड ये देखिए 2 डायरेक्ट है ट्रांसवर्स जिसके अपोजिट साइड हो सर, तो एक ही ट्रांसवर्स आ रही। एक C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 से छोटा है लेकिन R1 माइनस R2 के मॉडुलस से बड़ा, अगर R1 माइनस R2 के मॉडुलस से के बराबर या उससे छोटा हो जाएगा सर्कल अंदर चला जाएगा दूसरे सर्कल के, तो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से कम है, पहले R1 प्लस R2 से ज्यादा थी, सर्कल दोनों अलग अलग थे, 4 कॉमन टेंजेंट थी, इक्वल है, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, यहां पे क्या कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल्स इंटरसेक्ट at 2 distinct points
at two distinct points. इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट आएंगे? टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. केवल टू ही टेंजेंट आएंगे कॉमन टेंजेंट, और दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो. दोनों टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे. इस तरह से मिले और इन टेंजेंट्स के एक ही तरफ ये होगा सर्कल, दोनों सर्कल्स, तो दोनों ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ रहे हैं. ओके जी, और बताइए कोई दिक्कत है? पॉइंट नंबर थ्री. If C1 C2 is equal to modulus R1 minus R2, R1 minus R2 modulus के equal है, तो क्या होगा? इस तरह कैसा है ये C1 C2, ये पूरा था यहां तक R1, ये था R2, तो C1 minus C2 क्या होगा? R1 minus R2 मतलब circles internally एक दूसरे को touch करते हैं, circles touch each other internally. उस केस में वन और टेंजेंट होगी कॉमन, और दैट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. एक ही टेंजेंट होगी और वो उसे क्या कहोगे? ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि इसके दोनों सर्कल्स एक ही तरफ है, तो बोथ सेंटर्स लाई ऑन द सेम साइड, देन इट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. If C1 C2 is less than mod R1 minus R2, or clearly zero से कम तो हो नहीं सकते डिस्टेंस से सेंटर्स की, जीरो से R1 minus R2 तक आ रहा है अगर, तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड हो, तो उस केस में कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगी. वन सर्कल लाइज कंप्लीटली inside other, उस केस में नो कॉमन टेंजेंट, कोई कॉमन टेंजेंट नहीं, यहां कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है, जीरो. नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद देखेंगे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वो पढ़ेंगे हम. Length of common tangents. Length of common tangents. दो सर्कल सेपरेट होंगे तो दोनों ही तरह की टेंजेंट आ पाएंगे, डायरेक्ट भी ट्रांसवर्स भी, तो उनकी दोनों की बात कर पाएंगे हम लोग. लेंथ में, लेंथ की जब बात करें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो यहां से लेकर इस लेंथ को, यही है लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट बोलिए या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. Let us assume center C1 C2 जो distance है d, एक ये radius r1 है, दूसरी r2, कोई भी greater हो सकती है, less हो सकती है, according आप बना सकते हैं. ये angle कितना है? 90. तो इस point से a b ये tangent की length निकालेंगे, a से
C1 C2 के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रा कर लें, इसके पैरेलल C1 C2 की, ये देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो ये ऑलरेडी पैरेलल थे AC1 BC2। अगर मैं C1 C2 के पैरेलल यहां से लाइन ड्रा करता हूं, ठीक है, तो देखिए पैरेलल ड्रा किया, ये दोनों पैरेलल हो गए आपस में, और ये दोनों आपस में पैरेलल थे, पैरेललोग्राम बन गया। तो ये डी है तो ये भी लें डी हो, ओके, ये R1 है तो ये भी R1 हो, तो ये कितना आ गया R2 - R1। और यहाँ पे इस राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस लगे, लेंथ था डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट स्क्वायर प्लस R2 - R1 स्क्वायर, देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विल बी डी स्क्वायर माइनस R2 - R1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला R2 - R1 का होल स्क्वायर लिखो या R1 - R2 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों सेम होते हैं, कोई प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, दूसरा डायग्राम, फिर इंटरनल कॉमन टेंजेंट, अलग डायग्राम से समझेंगे। इंटरनल कॉमन टेंजेंट के फिर देख डायग्राम ये बना लिया मैंने, इस तरह से टेंजेंट हो, मान लीजिए यहां पर ये पी क्यू, इसको हमने ज्वाइन किया सेंटर से, ये एंगल 90, ये है लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ये है लेट अस अज्यूम R1, ऐसे इधर ये है लेट अस अज्यूम, ये एंगल 90, ये है C1, C2, ये कितना है R2, और C1, C2 जो डिस्टेंस हो कितनी है D, ये है ना। अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये यहाँ पे क्या है वैसे ही करना है, किसी भी एक पॉइंट से P से या Q से कोई भी ले लो, Q से ले लो, इस C1, C2 के पैरेलल है, क्या करना है C1, C2 के पैरेलल इसे एक्सटेंड करो, ठीक है, ये क्या बन गया पैरेललोग्राम, ये D है तो ये लेंथ भी D आएगी, ये R2 है तो ये भी R2 है, यहाँ सर्कल के ऊपर नहीं कट जाएगा कहीं और, डायग्राम थोड़ा और बना दे लो, नहीं कट कर सकता, ये R1 + R2, ये D, ये एंगल 90 है, ये लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट पाइथागोरस इसमें भी लग जाएगी, तो क्या आएगा डी स्क्वायर बराबर R1 + R2 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट स्क्वायर, यहां से आगे लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस R1 + R2 स्क्वायर, यहां था डी स्क्वायर माइनस R1 - R2 स्क्वायर, यहां R1 + R2 स्क्वायर, सेम वैल्यू में से देखिए यहां सब्ट्रैक्ट हम कम करते हैं, यहां सब्ट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, ऑलवेज देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, ये दो सर्कल से सेपरेट, ये जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है लेट अस अज्यूम किसी पॉइंट पी पे कट करते हैं, पीए से दोनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी, ये पी C1 एंगल बाइसेक्टर होगा, ओके, ये लेट अस अज्यूम रेडियस R1 है, ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये क्या है R2 है, ये C2, यहां से देखिए ये जो ट्रायंगल है PC1 इसको नेम देते हैं A,
और पी सी टू बी ये सिमिलर ट्रायंगल है क्या, पी सी वन ए और पी सी टू बी सिमिलर ट्रायंगल क्योंकि 90 है थीटा, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, तीनों एंगल इक्वल है तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं पी सी वन इज टू पी सी टू बराबर क्या है आर वन इज टू आर टू, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सी वन सी टू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेडियस के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, बाहर है ना, तो नाम है एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट इसलिए भी एक्सटर्नली डिवाइड करा। और ऐसे देखिए टेंजेंट्स अगर मैं इंटरनल कॉमन टेंजेंट लेता तो वो कहां कट करते हैं, मान लीजिए की पॉइंट क्यू पे कट कर रहे हैं, इसको ज्वाइन करोगे फिर से एंगल 90, ये रेडियस है जो अल्फा है, ऐसे ही ये एंगल अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा क्योंकि यहां से टेंजेंट दो ड्रा करो, हां सर ये भी अल्फा होगा, इसको ज्वाइन करें ये 90, जैसे ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर, तो QC1 is to QC2 R1 R2 R1 is to R2 ये इंटरनल है, तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है हमें वो C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करता है रेडियस के रेशियो में, और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सटर्नली डिवाइड करता है। डॉक्टर है किसको, ये पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए डायग्राम और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स डिवाइड सी वन सी टू इन द रेशियो ऑफ रेडियस एक्सटर्नली, उसी को मैंने यहां लिख दिया, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग सी वन सी टू इंटरनली इन द रेशियो ऑफ रेडियस। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन लिखेंगे। Find the range of R such that the circle x minus 1 square plus y minus 3 square is equal to R square and x minus 4 square plus y plus 1 square is equal to 9 intersect at intersect at two distinct points range calculate karni hai r ki jisse ki ye dono circles two distinct points pe intersect kare। पहला सर्कल है x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेकंड सर्कल है x माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये दोनों सर्कल्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें तो हमें r की रेंज कैलकुलेट करनी। टू सर्कल्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, फर्स्ट का सेंटर क्या होगा सी वन वन थ्री रेडियस आर वन आर, सेकेंड का सेंटर क्या होगा फोर माइनस वन रेडियस आर टू थ्री, क्या था कंडीशन सी वन सी टू शुड बी लेस देन आर वन प्लस आर टू एंड ग्रेटर देन मॉडुलस आर वन माइनस आर टू,
two distinct point of intersection. दो सर्कल्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करेंगे, C1 C2 जो होगा R1 प्लस R2 से कम हो, R1 माइनस R2 से ज्यादा, अभी बनाया उसी को अप्लाई कर दिया, तो R1 R माइनस 3 C1 C2 डिस्टेंस निकाले इसके बीच का 5 R प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो R ग्रेटर देन 2 आएगा इससे, और इसको सॉल्व करेंगे मॉड R माइनस 3 लेस देन 5 एंड लेस देन 5 और x लेस देन 5 तो x क्या होगा माइनस 5 से प्लस 5 3 ऐड करिए तो r की वैल्यू होगी माइनस 2 से 8 r है माइनस 2 से 8 और r ग्रेटर देन 2 इंटरसेक्शन क्या हुआ बाउंड वैल्यू r की वैल्यू 2 से लेकर 8 तक r की वैल्यू 2 से 8 तक होगी मैं कोई दिक्कत है इसमें स्टूडेंट फर्स्ट and the nature of triangle and the nature of triangle found by common tangents two circles to the circles S1 x square plus y square minus 6x is equal to 0 and S2 x square plus y square plus 2x is equal to 0 okay question auto likhen us triangle ka nature calculate karna hai jo in dono circles par kya hai common tangent se banta hai इन टू सर्कल्स पे जो कॉमन टेंजेंट्स होंगी उनसे जो सर्कल बनेगा उसका नेचर कैलकुलेट करेंगे बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू बताएं क्या आएगा ट्रायंगल का नेचर जो इन दो सर्कल्स से फॉर्म होगा पहले डायग्राम बना लेते हैं उससे फिर ऑब्जर्व करना यही हो जाएगा डायग्राम बनाओगे तो उसी से आंसर आ जाएगा बस कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा देखते पहला सर्कल सेंटर कितना हुआ बोलो 30 ये वन रेडियस थ्री इसकी रेडियस थ्री दूसरा सर्कल माइनस 10 रेडियस 1 ये हो गई ये रेडियस 1 अब क्या क्वेश्चन में कहा होगा दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करें तो एक कॉमन टेंजेंट ही होगी और ऐसे आ जाए दो कॉमन टेंजेंट ये मान लीजिए P यहाँ पे आ रहा है कट कर रहा है Q ये R
ये कॉमन टेंजेंट है PQ, PR और QR, ये भी तो कॉमन टेंजेंट है, इससे जो ट्राइंगल बन रहा है इसका आंसर बताना, ये है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या है, वन है, रेडियस ये है थ्री, वैसे ही लेंथ ये वाले तो इक्वल होंगे, आइसोसेलेस तो बनेंगे, बस ये और देखना है कि ऑब्जर्व करना है क्या रहता है, ये एंगल 90 है, ये 90, ये जो रेशियो होता है ये रेडियस का रेशियो आएगा, ठीक है, पी सी टू अपॉन पी सी वन, ये सिमिलर ट्रायंगल हुआ, पी सी टू अपॉन पी सी वन बराबर रेडियस का रेशियो 1/3, इस लेंथ को अगर x ले लेते हैं तो PC2 कितना हो, x अपॉन PC1 x plus 1 plus 3 means x plus 4 is equal to 1/3, simply by get 3x is equal to x plus 4, तो x बराबर 2, तो ये है 2। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो tan इसमें क्या लगा होगा, sin थीटा बराबर 1/2 1/x 30 सर, इसको ऐसे नहीं, एक और तरीका है सर इसको करने का। हाँ बोलो सर, इसमें सर जैसे जो -1,0 और 3,0 को जो लाइन एक्सिस पर टच कर रही है, इसके एक पैरेलल लाइन बना लो उधर से, जहां पे C2 का 90 डिग्री बन रहा है, इसके पैरेलल बना लो ऊपर, यहां से, हाँ सर, नहीं सर, इसके पैरेलल, पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल यहां कहां से पैरेलल, ये तो है ही नहीं सर, सर सर जो ऊपर 90 डिग्री बना रहा है ना सर, उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दो सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल, हां हाँ सर, हाँ सर, पूरा सर आगे तक टच कर दो सर, सर सर जो फिर ऊपर वाली लेंथ सर 2 बच गई और नीचे वाली 1 बचेगी C1 में, ये 2 और ये 1, हाँ सर, इससे थीटा निकाल लो सर, और सर बीच वाला 4 है जो पैरेलल लाइन बनाई है उसकी लेंथ 4 है, हाँ, तो सर थीटा आ गया 1/2, तो वो वाला थीटा भी आएगा 30, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कर लिया, बाकी ये तो सिंपल ही था ना, ये तो हमें पहले से पता था ये रेशियो होता है, उससे ये लेंथ आ गई, ये पता ही था, इसमें हमें कुछ और कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हाँ लेकिन ठीक है, यहाँ से पैरेलल लाइन बनाई और ये ट्रायंगल देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसमें सर्कल में रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस, ठीक है, रेडिकल एक्सिस देखेंगे क्या रहता है, रेडिकल एक्सिस इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, सच लाइट पावर ऑफ point or length of tangents length of with respect to two circles are always equal, एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है, दो सर्कल दिए हुए हैं, दो सर्कल के लिए होगा, टू सर्कल्स हैं, ऐसे मूव करता है कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों का सर्कल का पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, या दोनों पर लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है वो इक्वल आती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और इसलिए लिखा मैंने क्योंकि अगर पॉइंट मतलब इन साइड है तो वहां टेंजेंट नहीं बन पा रही है, तो आप पावर ऑफ पॉइंट देखेंगे, पावर ऑफ पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर वाला ही फॉर्मेट है, ठीक है, लेकिन वो इंटरनल हो पॉइंट ऑन द सर्कल हो तब भी पावर ऑफ पॉइंट आता है, तो इसलिए मोर वैलिड क्या हो जाएगा, पावर ऑफ पॉइंट। लेट सर्कल्स बी
एस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू और टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये पहला सर्कल है। दूसरा है एस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये दो सर्कल है। अब क्या है, देखिए ऐसे दो सर्कल्स हैं, एक्सटर्नली है तो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट भी देख सकते हो। मान लो एक पॉइंट पी एच के ऐसे मूव करता है कि दोनों पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है, बात है पी ए अपॉन पी, पी ए बराबर पी वी करो उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट करो, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी वी स्क्वायर, यही क्या है पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो इसका इक्वल कर आएंगे पी ए बराबर पी वी, तो इसमें पी ए क्या है इस पॉइंट पी को इसमें रखो उसका स्क्वायर रूट, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट है, रूट नहीं लोगे वही पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट फर्स्ट पी के लिए क्या आ गया यहीं पे रख दीजिए इसको, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी वन एच प्लस टू एफ वन के प्लस सी वन, ऐसे ही दूसरा रखेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी टू एच प्लस टू एफ टू के प्लस सी टू, जैसे एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा एस वन और ये क्या बन जाएगा एस टू, इसको इधर लेके आओगे ये बन गया एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, यही रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन, और ध्यान दे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों में सेम होना चाहिए, तब आप एस वन माइनस एस टू कर रहे हो, यहाँ टू है यहाँ टू है तो पहले इसमें टू से मल्टीप्लाई करो या इसमें टू से डिवाइड करो फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट वन होना चाहिए या पावर ऑफ पॉइंट के लिए, तो एक्स एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, यह है रेडिकल एक्सिस। जब दो सर्कल सेपरेट है इस तरह से लाइन है, दो सर्कल्स इंटरसेक्ट अगर करेंगे ये किसकी इक्वेशन होती है, कॉमन कॉर्ड की, कॉमन कॉर्ड पढ़ा था ना, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो, यही रेडिकल एक्सिस भी है ये पार्ट, और रेडिकल एक्सिस एक्चुअली आउटसाइड भी है कंप्लीट है, कॉर्ड को हो गए ये लाइन, इसी लाइन का पार्ट है इसलिए दोनों इक्वेशन क्या आती है सेम आती है। अगर आपसे कहें कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी तो यही थी, तो दोनों सेम ही है इन केस ऑफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। सर्कल्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन पार्ट वाला पार्ट ही आगे एक्सटेंड होकर के, और वही पार्ट क्या है रेडिकल एक्सिस। अभी लिख लेंगे उन पॉइंट्स को, देखें हाँ, तो यहां रेडिकल एक्सिस की क्वेश्चन क्या हुई, सब्ट्रैक्ट करें तो यहां से आया टू जी वन माइनस जी टू इंटू एक्स प्लस टू एफ वन माइनस एफ टू इंटू वाई प्लस सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो। रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, जब सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं उस लाइन के रेडिकल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, या कॉर्ड तो परपेंडिकुलर दिख रही है, यहां देखिए सी वन क्या है सेंटर माइनस जी वन माइनस एफ वन और क्या होगा माइनस जी टू माइनस एफ टू, तो इसका स्लोप कितना होगा वाई टू माइनस वाई वन से लिखा होगा एफ वन माइनस एफ टू अपॉन जी वन माइनस जी टू, इसका इसका प्रोडक्ट निकालो इसका स्लोप कितना होगा माइनस जी वन माइनस जी टू अपॉन एफ वन माइनस एफ टू प्रोडक्ट माइनस वन, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, रेडिकल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के परपेंडिकुलर होती है, यही फर्स्ट पॉइंट है, रेडिकल एक्सिस हमेशा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के क्या होगी परपेंडिकुलर। लेकिन मिड पॉइंट से पास हो ऐसा नहीं है, लेकिन सी वन सी टू के मिड पॉइंट से पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, दोनों की रेडियस अगर इक्वल होगी तो मिड पॉइंट से पास होगी, रेडिकल एक्सिस
need not to pass through midpoint of line joining centers. आप कह सकते हैं रेडिकल एक्सिस इन जनरल डू नॉट बाइसेक्ट और डज नॉट बाइसेक्ट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स C1 C2 को बाइसेक्ट नहीं करे, मिड पॉइंट से नहीं पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर है ये C1 C2 परपेंडिकुलर है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड करती है, R1:R2। अगर आप यहां पे देखेंगे इंटरनल कॉमन टेंजेंट तो उसको बाइसेक्ट करती है या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट उसको बाइसेक्ट करती है। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स, अगर कॉमन टेंजेंट है तो उसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब उनके मिड पॉइंट से पास हो। यहां देखिए ये कॉमन टेंजेंट है PQ, ये R है, तो PR बराबर QR होगा, क्यों? रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन ही है कि उस पे जो भी पॉइंट होते हैं उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों पे इक्वल होती, तो इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों पे इक्वल होगी, तो ये PR और QR बराबर होंगे, और ये कॉमन टेंजेंट से तो मिड पॉइंट हो गया, मतलब R, ये ना डेफिनेशन कि दोनों के पावर ऑफ पॉइंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती। यहां पे अगर ये कॉमन टेंजेंट है, ये जो होगा मिड पॉइंट होगा, ये एम एन है, ठीक है, ये ए है तो ए एम बराबर ए एन हो, क्योंकि रेडिकल एक्सिस पे कहीं पॉइंट लो उससे दोनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो, तो कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करते हैं, और कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करें, देखिए कॉमन टेंजेंट यहां पे कट करे ना, और ये जो पॉइंट होता है ये किसको रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए R1:R2। ओके, यस, फोर्थ, ये है रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड पॉइंट फर्स्ट सेकेंड। अच्छा हाँ, कॉमन थर्ड वाला पॉइंट, दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो अभी आपको बताया, if two circles intersect then radical axis will be their common chord, so unki common chord hi radical axis। नेक्स्ट, तो तीन पॉइंट है, लिख लेते हैं। अगर टू सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली, तो जो कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट है वही उनकी रेडिकल एक्सिस होती है। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स touching each other will be their common tangent at common point, या कि दो circles externally touch कर, मान लीजिए point P पे touch किए, तो इस पे जो point P पे जो common tangent, ये तो दूसरी common tangent नहीं, ये P पे जो कॉमन है, ये क्या है, रेडिकल एक्सिस, और डायरेक्ट आप S1-S2 कर दो, वही कॉमन टेंजेंट मिल जाएगी, ठीक है, और इंटरनली टच कर रहे हो तब भी यहां पर ये रेडिकल एक्सिस, दो सर्कल्स हैं S1-S2 सबट्रैक्ट किए वही रेडिकल एक्सिस मिलेगा। अगर एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे के अंदर हो, एक वन सर्कल
lies inside other, but not concentric नहीं होना चाहिए. Then radical axis will pass through outside of both circles. Outside of both circles. दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं, टू सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं है, एक दूसरे के अंदर है. यहां C1, C2 सेंटर्स अलग अलग हों तो इनकी रेडिकल एक्सिस दोनों के बाहर, और C1 C2 के जो परपेंडिकुलर होती है तो ऐसे मिलेगी रेडिकल एक्सिस. आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर देख सकते हो किस तरह से मिल जाएगा ये. लेकिन कॉन्सेंट्रिक हो तो उनकी कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होती. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती. पार्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा. देख सकते हैं इसको, अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो देखिए पहला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस C1 लिया आपने, दूसरा लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस C2 लिया. दोनों में ये जी एफ वाले टर्म सेम हो गया, एक्स वाई वाले तो सेम ही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले एक्स वाई भी सेम हो तभी सेंटर सेम आएगा. जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो C1 माइनस C2 आएगा. अब C1 माइनस C2 तो जीरो होगा नहीं तो दोनों सेम सर्कल हो जाएंगे. सर्कल ही अलग अलग नहीं रहेंगे तो सर्कल अलग अलग है तो ये C1 C2 सेम नहीं रहेगा, रेडियस अलग अलग है, समझ रहे हैं. और C1 माइनस C2 इज नॉट इक्वल टू जीरो तो, और वो कोई लाइन तो है नहीं तो रेडिकल एक्सिस इनकी एग्जिस्ट नहीं करती. कॉन्सेंट्रिक हो तो कोई भी प्रॉब्लम है रेडिकल एक्सिस के पॉइंट में तो बताएं, नोट कर लीजिए सभी लोग. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए. और पॉइंट्स इस पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे.